अब सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है एसक्यूएल का, बल्कि ये सिलेक्ट एक कॉन्स्ट्रक्ट है, एक कॉन्स्ट्रक्ट है जो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, इसको क्लॉज बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो जिसको एसक्यूएल आती है या एसक्यूएल पढ़ रहा है उसको सिलेक्ट फ्रॉम वेयर बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इसमें क्या क्या चीज यूज होती है, क्या क्या रख सकते हैं, जैसे ऑपरेटर किसमें रखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर किसमें रखेंगे, ये सब हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए सिलेक्ट कमांड पे हम कॉन्सेंट्रेट करें, तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये वेयर क्लॉज जो है इसमें ऑप्शनल है, लेकिन सिलेक्ट अगर लिखेंगे तो फ्रॉम आना चाहिए। सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या करना है, कहां से करना है, तो सिलेक्ट मतलब ये होता है कि सिलेक्ट आपको करनी है फील्ड लिस्ट, मतलब आपको कॉलम नेम बताने हैं इसमें क्या क्या आपको सिलेक्ट करना है, और ये बताना है कि कहां से करना है, टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो ये कॉलम नेम्स है, ये आपके टेबल का नाम है। कंडीशन, जैसे कंडीशन जो जो कंडीशन इस पे क्राइटेरिया देंगे वो मीट करें। अब बाई चांस आपको सारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो सिलेक्ट स्टार कर देंगे तो सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, यहां पर अलग अलग देंगे तो जो जो आप देंगे वो सिलेक्ट होंगे। जैसे आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में देखिए आपको डिस्प्ले करना है स्टूडेंट टेबल इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो आप सीधा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर दीजिए, ये सारी की सारी चीज आ जाएगी, पूरा टेबल आ जाएगा आपके पास। ओके, इसी तरीके से आप केवल नाम ये और क्लास दिखाना चाहते हैं, कि नाम क्लास दिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिलेक्ट नेम एंड क्लास, केवल यहां इतना आएगा बस, फिर इतना रिजल्ट में आने वाला है, सिलेक्ट नेम कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस टेबल से, ये स्टूडेंट टेबल है हमारा, और स्टूडेंट टेबल से क्या निकल के आएगा, नाम और क्लास। ऐसे आप करना चाहते हैं, अब हम वेयर क्लॉज देखते हैं, वेयर क्लास क्या काम करता है। हम नाम निकालना चाहते हैं, केवल नाम आएंगे, ओनली दिस कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट इस टेबल से, वेयर क्लास इक्वल टू 10, तो जिसकी क्लास 10 होगी केवल वो निकल के आएगा, तो केवल ये वाला रिकॉर्ड निकल के आएगा और इसका नाम आएगा केवल, क्योंकि नाम हमने मांगा है, तो केवल अजीत कुमार साहब आएंगे और कोई नहीं आएगा।